धनबाद में पांच पहाड़ी मुरंगा गांव के रहने वाले स्टेशन मास्टर लोकेश कुमार के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया। तीन लोगों को गिरफ्तार, जिसे लेकर गुरुवार को धनबाद पुलिस ने मामला साफ कर दिया है। गोविंदपुर पुलिस के सहयोग से लूट में शामिल लोगों को पकड़ा गया। लूट की योजना को लेकर एक जगह लोग एकत्र हुए थे, जिसे लेकर गोविंदपुर पुलिस द्वारा छापेमारी कर तीन व्यक्ति को धर दबोचा गया है। तलाशी के क्रम में उसके पास एक देसी कट्टा, चार गोली, एक एंड्रॉइड फोन, एक टीवीएस बाइक बरामद किया गया है। वहीं 22 मई को लूट की घटना में संलिप्त होने की बात कही गई। इसमें लूट की सामग्री भी इन सभी के पास से बरामद किया गया है, जिसे लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 अमर पांडे ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। पांच पहाड़ी जो कि मोरंगा गांव के पास है, वहां पर एक वादी जिनका के नाम लोकेश कुमार है, वो स्टेशन मास्टर छोटा मोना रेलवे स्टेशन के हैं। उनसे अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना कारित की गई थी। और लूट की घटना के क्रम में उनसे उनका मोबाइल फ़ोन, बाइक और एटीएम कार्ड्स और अन्य सामग्री लूट ली गई थी। तत्पश्चात उनके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के क्रम में कल गोविंदपुर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात अपराधकर्मी लूट की योजना के मंशा से एक जगह एकत्रित हुए हैं और एक टीम गठित की गई। गठित टीम के द्वारा छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में तीन व्यक्तियों को सर्वप्रथम पकड़ा गया, जिनमें मुश्ताक अंसारी जो कि सिंघिया टाट बलियापुर के रहने वाला है, समीर अंसारी जो कि मुगमा निरसा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, मोहम्मद फारूक अंसारी जो कि बलियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया। और इनकी विधिवत तलाशी के क्रम में इनके पास से एक देसी कट्टा और चार जिंदा गोली, एंड्रॉयड फ़ोन और एक टीवीएस अपाची सफ़ेद रंग की बरामद हुई है। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा 22 मई को जो लूट की घटना लोकेश कुमार के साथ हुई थी उसमें शामिल होने की बात स्वीकार की गई है। तत्पश्चात अग्रतर अनुसंधान के क्रम में इनकी निशानदेही पर लूट की सामग्री थी उनको बरामद किया गया, जिसमें कि वादी का जो टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल है वो बरामद किया गया है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन वादी का बरामद किया गया है और एटीएम कार्ड्स और जो सिम कार्ड जो उनके फ़ोन में लगे हुए थे उनको एटीएम कार्ड से इन लोगों के द्वारा जो है साइबर फ्रॉड को भी वो एटीएम कार्ड दे दिया गया था और उसके उपरांत 20,000 रुपये के भी इनके खाता से निकासी हुई है। उस संबंध में हम लोग के द्वारा अनुसंधान कार्य किया जा रहा है और सिम को इनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये जो भी अपराधकर्मी हैं इनमें एक साइबर फ्रॉड भी जो है एक मुस्तकीम अंसारी नाम का व्यक्ति है जो कि धर्मपुर थाना नारायणपुर जामताड़ा का रहने वाला है। इसके द्वारा जो एटीएम कार्ड्स है उसको साइबर फ्रॉड को दिलवाया गया था, उसको भी इस कांड में संलिप्तता पाते उसको गिरफ्तार करने की हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें जो भी गिरफ्तार अभियुक्त हैं सभी का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। मुश्ताक अंसारी के विरुद्ध गोविंदपुर, बलियापुर, निरसा, बरवड्डा और जामताड़ा के कई थानों में कई गंभीर अपराध शीर्ष के कांड दर्ज किए गए हैं। मुस्तकीम अंसारी मुख्य रूप से एक साइबर अपराध कर्मी है जिसके विरुद्ध जामताड़ा जिले में 2 साइबर कांड दर्ज हुए जिनमें वो न्यायिक हिरासत में जा चुका है। समीर अंसारी के विरुद्ध भी झरिया और मिहिजाम थाना और कुल्टी बंगाल के थाना में अपहरण, आर्म्स एक्ट और लूट की जैसे लूट अपराध शीर्ष के अंतर्गत कई कांड दर्ज हुए जिनमें वो न्यायिक हिरासत में गया है। और इस कांड में इन दोनों कांड ये जो हम लोगों को हथियार बरामद हुआ है और लूट की घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसके संबंध में एक सेपरेट कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है, जो आर्म्स एक्ट का कांड दर्ज किया गया है। और इस संपूर्ण अपराध की घटना में अन्य भी अपराधकर्मी भी जो फिरार हैं उनके विरुद्ध भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।